हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो अगर आप भी बिहार वन रक्षक या वनपाल की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप प्रश्न को लेकर आए फ्रेंड्स, जिसका 100% चांस है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास समय कम बचा है, तो सिर्फ आप ऐसे प्रश्न को पढ़ने में समय देना है जिसका चांस हो कि वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे। या फ्रेंड्स, तो इसी तरह का जो क्वेश्चन होता है, इस चैनल पे हर रोज 2 वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है वह कब हुआ था? ऑप्शन आपको देते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन है 1932 ईस्वी में या फिर 1929 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट। राजा स्वाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? राजा स्वाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? जयपुर में या फिर हैदराबाद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में, ठीक है। आगे फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लाया गया है ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न को आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो है किसके शासनकाल में थी? शिवाजी के शासनकाल में या फिर महाराणा प्रताप के शासनकाल में? क्या होगा आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा शिवाजी के शासनकाल में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई? इब्न बतूता की भारत यात्रा जो है वह किस शासक के काल में संपन्न हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के या फिर शाहजहां के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। आगे, चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक जो है वह कौन था? ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, पुलकेशिन द्वितीय या फिर घनानंद? क्या होगा आंसर? चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक जो था फ्रेंड्स वह पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर व सुल्तान जो है वह किस वर्ग के थे? सल्तनत काल में फ्रेंड्स जो अधिकांश अमीर और सुल्तान थे वह किस वर्ग के थे? किस वर्ग के थे फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन है वह तुर्क के थे या फिर अरब के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे तुर्क के थे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है वह किस शासक ने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक ने? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने बनवाया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा जो है फ्रेंड्स वह किसे कहते हैं? किस देश को कहा जाता है? चीन को या फिर क्यूबा को? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूबा को जो है हम लोग विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग। भारत का महान ज्योतिष आचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? आर्यभट्ट का फ्रेंड्स बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, पाटलिपुत्र या फिर बोधगया? क्या होगा सर आंसर? क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र से उनका गहरा संबंध था, ठीक है। आगे चलते हम लोग। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है या फिर कोसी नदी को कहा जाता है? आगे क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में कोसी परियोजना कब आरंभ हुआ था? कोसी परियोजना जो है फ्रेंड्स वह कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में या फिर 1972 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? दूरदर्शन का केंद्र जो है फ्रेंड्स वह बिहार में कब स्थापित किया गया था? 1984 में या फिर 1978 ईस्वी में? कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी में, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हम लोग। जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद या फिर ऋग्वेद? क्या होगा इसका सही आंसर?
तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा गीत गोविंद। ठीक है, नेक्स्ट। सलारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सलारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, हैदराबाद में या फिर नई दिल्ली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, आगे। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? आर्यभट्ट है फ्रेंड्स या लक्ष्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं फ्रेंड्स, सुमित्रा नंदन पंत या फिर कबीरदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन थी फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किनकी रचना है? कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक जो है किनकी रचना है, कमलेश्वर की या फिर रामानंद की? तो सही आंसर हो जाएगा इसका कमलेश्वर की। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन की ओर। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोधगया में जो फ्रेंड्स बोधि वृक्ष है वह अपने वंश की किस पीढ़ी का है, प्रथम पीढ़ी का या फिर चतुर्थ पीढ़ी का है? तो सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न भी आए हैं। ठीक है, आगे। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, राजगीर में है या फिर गया में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुपद मंदिर जो है वह गया में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही वो टॉप प्रश्न था जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर तो फ्रेंड्स अगर और भी आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।